नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक घर के तीन मर्दों के ऊपर आधारित है जिन्हें अपनी ही नौकरानी से प्यार हो जाता है और वो तीनों उसके साथ टकाटक करने की कोशिश करते हैं। अब वह नौकरानी उन तीनों में से किसको मिलेगी, यह हम आज की इस मूवी में देखेंगे। इस फिल्म का नाम है मलेशिया। यह फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी की पत्नी का निधन दिखाया जाता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद इग्नोशो के ऊपर उसके तीन बेटों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसका सबसे बड़ा बेटा एंटोनियो होता है जो कि 20 साल का है। उससे छोटा बेटा नीनो है जो कि 16 साल का है और सबसे छोटा बेटा एंजियो जो कि सिर्फ 6 साल का है। मार्गेटा के मरने पर उसके कई रिश्तेदार आए होते हैं, पर उन सबको देखकर लग रहा था कि मार्गेटा के जाने की किसी को कोई दुख नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेटों को भी कोई दुख नहीं होता है और इग्नोशो तो सबके सामने झूठा रोने का दिखावा कर रहा होता है। फिर सभी लोग जब वापस घर आते हैं तो देखते हैं एक खूबसूरत लड़की उनके घर पर पहले से ही मौजूद है। उस लड़की ने उनके घर को पहले से ही साफ सुथरा कर दिया था और डिनर भी रेडी कर दिया था, लेकिन उन सबको खुद भी पता नहीं होता है कि वो कौन है। तब वह बताती है, मेरा नाम एंजेला है और मार्गेटा ने मरने से पहले मुझे यहाँ काम पर रखा था और मुझे आज ही से अपना काम शुरू करना था। इसके बाद एंजेला सबको खाना सर्व करती है। वे सभी काफी खुश हो जाते हैं और उनका छोटा बेटा एंजियो तो एंजेला से बहुत घुल मिल जाता है। और फिर इग्नेशो ये डिसाइड करता है कि एंजेला उसके साथ ही रहेगी। काफी दिन बीतने के बाद एंजेला सभी घर वालों से घुल मिल जाती है, जिससे सभी घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक विधवा औरत एग्नेशो से नजदीकियां बढ़ा रही है, क्योंकि एग्नेशो एक अमीर आदमी है और वह उससे शादी करना चाहती है। लेकिन एग्नेशो का छोटा बेटा नीनो, जिसकी जवानी हिलोरे मार रही थी, वो उस विधवा औरत को गलत जगह पर छूने की कोशिश करता है, पर उस विधवा औरत को घर में एंट्री पाने का इतना लालच होता है कि वह नीनो को ऐसा करने से नहीं रोकती और उसे सब कुछ करने देती है। इसके अलावा नीनो एंजेला के लिए घर पर रोज एक गुलाब का फूल छोड़ता था। एंजेला को ये पता नहीं था कि वो कौन है, पर एंजेला को वो फूल देखकर बड़ा अच्छा लगता है और वो सोचती है घर में कोई तो है जो उसे पसंद करता है। फिर एक दिन नीनो अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है तो उसे चोट लग जाती है। वह घर पर आता है और एंजेला उसकी मरहम पट्टी कर देती है। नीनो एंजेला से बोलता है वो ये बात उसके फादर को न बताए, वरना वो उसे बहुत डांटेंगे। अगले दिन नीनो अपने दोस्त के पास जाता है और लंबी लंबी फेंकता है और कहता है उसने एंजेला को बिना कपड़ों के देखा है। उसका दोस्त बोलता है अगर तुम मुझे एंजेला को बिना कपड़ों के दिखाओगे तो मैं इसके बदले तुम्हें अपनी बहन को बिना कपड़ों के दिखाऊंगा। और उसके बाद वो नीनो को अपने बहन को बिना कपड़ों के दिखाता है। अब एंजेला को पता चल जाता है कि उसके लिए रोज गुलाब नीनो छोड़ता है। उसे यह बात अच्छी लगती है और वह नीनो को कुछ बोलती नहीं है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो इग्नेशो भी एंजेला की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो भी उसे छुप छुप कर देखने लगता है। दूसरी तरफ इग्नेशो का बड़ा बेटा एंटोनियो भी मौका मिलने पर एंजेला को छेड़ता रहता है। एंजेला को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह घर के तीनों मर्द एंजेला पर लट्टू हो जाते हैं और तीनों ही उसके साथ टकाटक करना चाहते हैं। एक दिन एंजेला अपने काम से छुट्टी लेकर कहीं जा रही होती है तो इग्नेशो को लगता है शायद वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, लेकिन एंजेला उसे बताती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुन इग्नेशो मन बना लेता है कि वह एंजेला से ही शादी करेगा। फिर एक दिन एंटोनियो एंजेला को छेड़ रहा होता है तो नीनो वहां पर आकर उसे रोकता है और उससे लड़ने लगता है, पर नीनो पिट जाता है। फिर नीनो जब अपने कमरे में उदास बैठा होता है तो एंजेला उसे मनाने के लिए आती है। फिर एंजेला नीनो से कहती है मुझे पता है मेरे लिए गुलाब तुम ही छोड़ते थे और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंटोनियो तैयार होकर एंजेला के रूम की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ उसके फादर भी तैयार होकर एंजेला के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। नीनो उन दोनों को किसी तरह रोकना चाहता था तो उसे एक आइडिया आता है। वह एक पत्थर उठाकर उनके घर के नीचे वाली दुकान का शीशा तोड़ देता है।
जिससे दुकान का सायरन बजता है और सभी लोग जाग जाते हैं। फिर जब पुलिस आती है तो उनके घर की कोई भी चीज चोरी नहीं हुई होती है, इसलिए इग्नोसो उसे चोरी की रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। पर वह सोचने लगता है कहीं ये काम उसकी पत्नी के भूत का तो नहीं। फिर वह अपनी मरी हुई पत्नी के फोटो के सामने जाकर कहता है, तुमने मेरी दुकान का बहुत ही महंगा शीशा तोड़ दिया, और कहता है तुम मुझे मरने के बाद भी जीने नहीं दोगी। फिर एक दिन इग्नोसो चर्च से वापस आ रहा होता है तो उसे वह विधवा औरत कोरेलो मिलती है और वो उसे कपड़े ट्राई करने के बहाने घर पर बुलाती है। फिर घर आकर इग्नोसो अपने बेटे नीनो को कोरेलो के घर जाने को कहता है ताकि वो अकेले में एंजेला से शादी की बात कर सके। फिर जब नीनो कोरेलो के घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। नीनो अपने दोस्त को उसके फादर पर नजर रखने को बोलता है। फिर नीनो कोरेलो के घर जाता है तो कोरेलो उसके साथ टकाटक करने की कोशिश करती है। नीनो को बड़ा मजा आता है। इसके बाद नीनो अपने घर आता है तो बाहर उसका दोस्त प्रसेलो मिलता है और बताता है कि उसके फादर ने उसे डांटकर भगा दिया था। फिर जब नीनो घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने एंजेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और एंजेला ने भी हाँ कर दी है। तब इग्नोसो पूरे परिवार को लेकर अपने माँ के पास अपने गांव जाता है और अपनी माँ से शादी के बारे में बात करता है तो उसकी माँ उसे साफ इनकार कर देती है और उससे बोलती है, तुम अपनी ही नौकरानी से शादी करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन दोनों की बातें नीनो भी छुपकर सुन रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर वो छोटे भाई एनजीओ के रूम में जाता है और एनजीओ को कहता है कि अपने फादर को शादी करने के लिए मना कर दे और कहे उसे सिर्फ उसकी पुरानी माँ ही चाहिए। बार बार प्रेशर देने की वजह से एनजीओ रोने लगता है और उसका रोना सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। फिर जब एंजेला उसके पास जाती है तो एनजीओ उसे छूने से मना कर देता है और बोलता है, मुझे सिर्फ मेरी पुरानी माँ ही चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर इग्नोसो की माँ इस शादी के और भी खिलाफ हो जाती है। पर एंजेला को पता चल जाता है कि ये सब नीनो ही कर रहा है और वह नीनो को बोलती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं? तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूं। लेकिन नीनो उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। फिर कुछ दिन बाद नीनो फिर से एनजीओ को वो सब ड्रामा करने को बोलता है पर एनजीओ उसे मना कर देता है। फिर नीनो खुद ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, उसके सपने में उसकी माँ आई और बोला कि अगर ये शादी हुई तो इग्नोसो बर्बाद हो जाएगा। यह सुन इग्नोसो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी शादी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाती है। फिर एक दिन घर के सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं तो नीनो एंजेला को छूने की कोशिश करता है और एंजेला भी उसे नहीं रोकती। अब नीनो की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो रोज मौका देखकर एंजेला को यहाँ वहाँ छूने लगता है। दूसरी तरफ इग्नोसो कहता है कि इस बार वो गांव जाकर अपनी माँ को मना कर ही आएगा और इसके बाद वो अपने गाँव चला जाता है। फिर एंटोनियो को भी अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो भी रात को घर से बाहर ही रहने वाला था। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। उसी रात बहुत तूफान आता है और घर की लाइट चली जाती है। एंजेला को अंधेरे से डर लगता है तो उसका फायदा नीनो उठाता है और उसे डराने लगता है। वो एंजेला को ब्लैकमेल करता है और उसे उसके सारे कपड़े उतारने को बोलता है। अब एंजेला भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों साथ में टकाटक भी करते हैं और रात भर मजे लेते हैं। अगले दिन इग्नोसो गांव से वापस आ जाता है और उसकी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं इग्नोसो एंजेला से शादी कर लेता है और शादी के बाद वो अपने बेटों को एंजेला को किस करने को बोलता है। फिर जब नीनो को किस करने की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और हमें पता चलता है कि नीनो और एंजेला का अफेयर आने वाले समय में काफ़ी लंबा चलने वाला है और यहीं पर मूवी दी एंड हो जाती है। अगर मूवी की कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।